तो जो टर्निंग पॉइंट था ना, जहां पे एक झटका इंसान को महसूस होता है, वो वाला ये स्टोरी है, समझ में आया। जहां पर मैं केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट को धीरे 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 लूज करता जा रहा था, जहां पे केमिस्ट्री को मैं धीरे धीरे छोड़ता जा रहा था कि अपने बस की बात नहीं है, फिजिक्स और मैथ पे ध्यान दो, तभी एक टर्निंग पॉइंट आया। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ये उन दिनों की बात है जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे और मैं केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में अपना जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे लूज करता जा रहा था। मतलब केमिस्ट्री मतलब एक तरीके से अपने मन के हिसाब से मैंने मतलब छोड़ ही दी थी। ठीक है कि हाँ भाई मैं अब केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा। 12th के मिड की बात है, 11th में केमिस्ट्री थोड़ी गड़बड़ चली और 12th की शुरुआत से ही मैं केमिस्ट्री को इग्नोर करता हुआ चल रहा था। 12th के मिड में मतलब वो टाइम आ चुका था कि जब मैं अब केमिस्ट्री क्विट करने ही वाला था एक या दो लेक्चर के बाद में। क्विट मतलब कि वहां पर फिर उसकी क्लासेस बंद कर देंगे अटेंड करनी। एक दिन की बात, और हमारे जो केमिस्ट्री वाले सर थे ऑर्गेनिक के, तो उनका एक रूल हमेशा फिक्स था, दैट इज कि जब आप क्लास में आओ तो आप होमवर्क जरूर करके आओ, और डेली बेसिस का जो होमवर्क होता था दैट इज डीपीपी। आते वक्त जब आप कल वापस आओगे या नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आओगे तो वो डीपीपी आपके पास होनी चाहिए और उसका सॉल्यूशन आपने किया हुआ होना चाहिए। मतलब आप ट्राई करो सारे क्वेश्चंस, ठीक है, आप सारे क्वेश्चंस क्या करोगे, ट्राई करोगे। ठीक है जी, तो वही हुआ। पहले दिन डीपीपी मिली, हम उठा के घर ले गए। केमिस्ट्री की वैसे कहाँ डीपीपी, कौन, मैं तो नहीं सॉल्व करता था ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ाई ढंग से कर नहीं रहे थे, समझ में। तो अगले दिन मैं आया और मैं क्या हुआ, वो केमिस्ट्री की डीपीपी घर भूल गया। ठीक है, मेरे को वो याद नहीं रही, बट हाँ उसके बाद में फिजिक्स की क्लास थी तो फिजिक्स की डीपीपी मैं लेके आया था, बिकॉज उसका काम अपना कंप्लीट था। तो वहाँ पर क्या, ऐसे बहुत सारे बच्चे बैठते हैं तो मैं पीछे जाके कहीं बैठा। अब वो जो सर थे ना वो बड़े खतरनाक टाइप के थे, वो पहचान लेते थे फेस एक्सप्रेशन से या कहीं से भी। फेस एक्सप्रेशन तो बोलना बहुत गलत हो जाएगा, बिकॉज 300 लोग बैठे हैं, पिछले वाले का तो फेस भी ढंग से नहीं दिखता, पर वो फिर भी पहचान लेते थे कि कौन काम करके आया कौन नहीं करके आया। उन्होंने 2-3 सवाल डिस्कस करने स्टार्ट किए, 4th-5th सवाल पे आए होंगे, इतने वो मुझे बोलते हैं पीछे से उठाकर, बोले हाँ वो जो कॉर्नर वाले चश्मे वाले भैया हैं वो खड़े हो जाओ। केमिस्ट्री क्लास में अपन पीछे ही बैठते थे, तो मैंने खड़ा हो गया। बोले कि डीपीपी लेके आए हो? अब घबराहट में मैंने क्या किया, हाँ सर मैं लेके आया हूँ। बोले दिखाओ, तो मैंने क्या किया, फिजिक्स की हीरो बनते हुए, शाना बोलते हैं जिसको, शाना बनते हुए फिजिक्स की डीपीपी निकाली, उठाकर ऐसे दिखा दी। उन्होंने मुझे बोला बैठ जाओ, मैं क्या, बच गए, बहुत बढ़िया, देखा चाचा चौधरी वाला दिमाग, बच गए, फिजिक्स की डीपीपी दिखा दी। और सब लोग इधर जो अपने बोलते ना पीछे बैक बेंचर्स का जो माहौल होता है वो सब लोग वाह वाह ही कर रहे हैं, बोले वाह यार तूने सही टोपी पहनाई है। मैंने कहा हाँ ठीक है, अब आगे देखो चलो पढ़ाई करो। इतने में थोड़ी देर बाद में वो 4th-5th क्वेश्चन पे थे, फिर आगे 8th-9th क्वेश्चन पे आगे डिस्कशन में। फिर मेरे को बोलते हैं वो चश्मे वाले भैया वापस से खड़े हो, मैं हो गया खड़ा। बोले एक बात बताओ, ये ऑर्गेनिक में वेज कब से आने लग गया, वेज वेज समझते हो ना, कि ऑर्गेनिक में ये वाले सवाल कब से आने लग गए। और जैसे ही उन्होंने ये बोला, क्योंकि शायद उनको ये दिख गया था, बट वो दिखना भी असंभव है, पता नहीं कैसे उन्होंने पहचाना, बोले ये ऑर्गेनिक वाली डीपीपी में ये सवाल कब से, ये कहां से आने लगे। फिर मुझे दोबारा पूछा कि तुम सच में डीपीपी लेके आए हो? फिर मैंने कहा ऐसे कर रहा था। बोले आ जाओ आगे आ जाओ। ठीक है हाँ, फिर वही, वहां पे तो ऑब्वियसली बेइज्जती ही होती है, क्योंकि बेइज्जती जब होगी तभी तो आपके अंदर कुछ चीजें छिड़ेगी, और छिड़ेगी तभी तो तुम कुछ बदलाव करोगे, तो जम गए बेइज्जती। हाँ बोलेगी ये देख लो टीचर को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप को हीरो समझते हैं, आता जाता इनको कुछ है नहीं। फिर उन्होंने मुझे एक टास्क दिया, बोलेगी अगले आने वाले दिनों में ना बाकी किसी की डीपीपी चेक करूँ ना करूँ तेरी जरूर चेक करूँगा। मैंने कहा अब फंस गए। ठीक है अब फंस गए, बिकॉज आप एबसेंट हो नहीं सकते, बिकॉज टीचर की सीधी रडार में आप हो। ठीक है और ये बोल रहे हैं कि मैं ही चेक करूँगा, और ये तो वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है तो मैं समझ गया भैया, मैंने कहा अब कुछ नहीं होगा, अब या तो मैं केमिस्ट्री सीख जाऊंगा या फिर यहां से मैं घर चला जाऊंगा। तो बस वही हुआ, उनके जो डर की वजह से मैंने केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन था, ठीक है, उस ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में पढ़ाई करनी स्टार्ट की, दोस्तों वोस्तों से पूछ कर कि भैया ये, क्योंकि उसमें ऐसा भी होता था कि 10 सवाल है डीपीपी में, आप चलो कहीं से देख कर टिक लगा कर सॉल्यूशन ले गए, वो ऐसे भी करते थे, बेटा इसका एक्सप्लेनेशन दो कि ये जवाब यही क्यों आएगा। तो उस इंसिडेंट से हुआ क्या कि मेरी जो केमिस्ट्री है जो कि बहुत बर्बाद चल रही थी वो वापस ट्रैक में आ गई थी। उन्होंने तोड़ दिया दिल हमारा यूं ही अनजाने में, उन्होंने तोड़ दिया दिल हमारा यूं ही अनजाने में, उन्हें क्या पता था